नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, बात तो कौन सी कंट्री की करें भाई, इंडिया की करेंगे। एक महानुभव है पंजाब के, नाम बता दूं मैं, सरबजीत सिंह। जी हाँ, ये महज से एक तो सरबजीत वो है जो इंडिया के लिए पाकिस्तान की जेल में शहीद हो गए, एक सरबजीत ये है जो दुनिया को शहीद करने निकल पड़े। जी हाँ, डिटेल से बात करूंगा। माजरा क्या है, दुबई जाने के लिए बंदा रेडी हो गया, एयरपोर्ट पे पहुंच गया, आगे क्या घटनाक्रम हुआ डिटेल से बात करेंगे मात्र दो मिनट में। और ये वीडियो जरूरी है भैया देखना, क्योंकि आप लोग विदेश से आ जा रहे हो तो ऐसे लोग आपके टकरा गए ना तो आपको भी खराब कर सकते हैं, और कईयों को तो हो सकता है बेचारे बूढ़े बुजुर्गों को तो जन्म में भी पहुँचा दें। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अमृतसर पंजाब में गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको सबको पंजाबी लोगों को तो पता ही है, बाकी है वहां से एक भाई है सरबजीत सिंह। जी हाँ, उम्र है इनकी 31 साल। इस बंदे ने दुबई जाने के लिए टिकट बुक करवा ली, ठीक है। और टिकट बुक कराने से पहले आपको पता भाई, दुबई नेगेटिव रिपोर्ट कोविड-19 की मांगता है 96 आवर्स पहले की। अब ये बंदे ने शायद कहीं ना कहीं दिमाग ये लगाया कि टिकट उसने पहले बनवा ली, समझ रहे हो बात को, क्योंकि टिकट आपको पता है रिपोर्ट आने के बाद बनानी होती है। कल को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो टिकट तो कैंसिल होगी, उसके 20-25 हज़ार रुपये गए आपके। इस बंदे ने दिमाग लगाते हो सकता है 10-15 दिन पहले की बना ली ताकि टिकट सस्ती पड़ जाए। और ये बंदा ऐन वक्त पे कोविड-19 की रिपोर्ट को ले जाँच करवाता है कोविड-19 की, और जांच में ये बंदा क्या बताएं आपको पॉजिटिव आ जाता है। जी हाँ, और फिर भी इस बंदे ने बता दूं, और जो जांच है वो बैग में डाल ली, पॉजिटिव रिपोर्ट बैग में डाल ली, एयरपोर्ट पे पहुंच गया। एयरपोर्ट पे भी अधिकारियों को पता नहीं लगा, क्योंकि भाई सब ये इतना नेगेटिव तो कोई नहीं सोचता कि जानबूझ के कोई पॉजिटिव बंदा भी आ सकता है क्या लालच के चक्कर में। कई बार क्या होता है लोग ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि क्या पता लगता है निकल जाएंगे। इस बंदे को आपको पता है अंदर आप जाओगे एयरपोर्ट पे, सब जगह थर्मल जो स्क्रीनिंग होती है जो गन वगैरह वाला, उसमें इसका रेड हो गया, बुखार का निशान दिखा दिया कि बंदे को बुखार है। साइड में लेके उससे जांच की, पता लगा इसकी कि भाई आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए जो निगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की, तो ये बंदा आनाकानी करने लगा कि नहीं मेरे पास, मतलब आनाबाजी करना। फिर सख्ती से पेश उसके साथ आए पुलिस के, हो सकता है एक दो डंडे भी मारे होंगे, तब पता लगा कि उसकी रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव था। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात है यार कि एक पॉजिटिव बंदा छोटे से लालच के चक्कर में एयरपोर्ट पे पहुंच गया। उसने सोच कैसे लिया कि इंडिया से जो 1% मान लो आप निकल गए, अगर आप ध्यान नहीं दिए गए या फिर, लेकिन इंडिया से कैसे निकल सकते हो भाई, कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट तो वहाँ पे चेक होती है एयरपोर्ट पे, फिर दुबई एयरपोर्ट पे लोग रोक लेते हैं। तो ऐसे मान, अब ये पॉजिटिव आदमी की रिपोर्ट साथ में लेके घूम रहा था और बैग में रिपोर्ट थी, एयरपोर्ट पे सवारी करने के लिए या फिर एयरपोर्ट पे प्लेन के लिए चल पड़ा। अब बताओ जी, ऐसे मूर्ख लोगों का क्या किया जाए। फिर इसको पकड़ के अलग से किया गया, फिर उसको क्वारंटाइन किया गया। कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा गौर करने की बातें हैं कि कुछ लोग ऐसा ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। अब ये बंदा अगर किसी के संपर्क में आया तो उसको क्या कोरोना नहीं होगा, 100% होगा। अगर किसी टैक्सी में आया होगा और उसके पड़ोस में कोई बुजुर्ग बैठा होगा तो उसको तो मार देगा ये, क्योंकि बुजुर्ग पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है या बच्चे पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो मरना चाहते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम मरने पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की भी वो सोच लेते हैं अज्ञानता की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम।